कमाई दो उनको। साइकिल अब सिनेमा घरों में कल से तेजी से दौड़ने वाली है, तो आप बताइए कि सर कितने एक्साइटेड हैं इस मौके को लेकर एंड आपकी डेब्यू को लेकर। ये मेरी डेब्यू तो क्या कहेंगे, मतलब हाँ ये तीसरी फिल्म है एज एन एक्टर, बट फिल्म के लिए मैं एक्साइटेड ज़रूर हूँ कि मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी थी और बहुत समय के बाद एक सिंपल सी कहानी में बहुत सारी बातें कहने को मिल रही थी, तो इसको करने में बहुत मज़ा आया। संजोग से इसमें मेरा काम सिर्फ मट्टो बनना था, तो जो कुछ भी बन पाया उस हिसाब से मट्टो बन करके उस रोल को पूरा किया। फिल्म को लिखना बनाना, इसकी प्रोडक्शन ये सब दूसरे लोगों के हाथ में थी, गनी साहब ने इसकी डायरेक्शन की थी और अब लोग कैसा मेरे काम के बारे में कहेंगे, फिल्म के बारे में कहेंगे, इस बात को जानने की उत्सुकता तो है ही। फिल्म बड़े बजट की हो छोटे बजट की हो, फिल्म की कहानी और फिल्म अच्छी लगनी चाहिए और दर्शक को सिनेमा आना चाहिए। दर्शक एक बार सिनेमा आ जाएगा, देखेगा, उसके बाद हाँ ना अच्छा बुरा बोल सकता है। हमारी कोशिश है आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचने की और उम्मीद है कि दर्शक आएंगे और दर्शकों को अच्छी लगेगी। और तो है ही है, मेरी फिल्म छोटे बजट की फिल्म है बट कहानी बड़ी है। एंड सर कई सारे इंटरनेशनल फेस्टिवल में ये फिल्म जा चुकी है, बुसान है, काफ़ी अप्रिसिएशन मिला, इंडियन ऑडियंस से क्या उम्मीदें रखते हैं आप? आपके ट्रेलर को लोगों ने काफ़ी पसंद किया, आपकी एक्टिंग को लोगों ने काफ़ी पसंद किया। मुझे उम्मीद वही है कि क्योंकि जब कहानी आप अच्छी कहेंगे और अच्छी तरह से कहेंगे और उसमें कहने को सुनने को कोई बात होगी तो वो ज़रूर अच्छी लगेगी लोगों को। और मुझे हमेशा यही उम्मीद रहती है अपने ऑडियंस से, चाहे मैंने फिल्में लिखी हों, बनाई हों या फिल्मों में काम किया हो। बहुत एक्साइटेड हूँ और आप लोग भी उस मेरे इस उत्साह को बढ़ाएं और कल 16 सितंबर से सिनेमाघरों में आएं और देखें ये पिक्चर। ख़ास तौर से आपको थोड़े दिनों के बाद थोड़ी एक अलग तरीके की पिक्चर देखने को मिलेगी। सो साइकिल अब दौड़ने के लिए रेडी है थिएटर्स में, तो आप बताएं कि कितनी उम्मीदें हैं इस साइकिल से? यार उम्मीदें तो हमें साइकिल से बहुत हैं, मतलब अब उम्मीदों के तरीके क्या हैं वो एक अलग बात है, समझना पड़ेगा। हम एक अच्छा सिनेमा, ईमानदार सिनेमा बनाने की कोशिश करी है और वो पब्लिक उसे कितना प्यार देगी ये पब्लिक के ऊपर है। हमने अपनी पूरी ईमानदारी से एक फिल्म बनाने की कोशिश करी है और हमने बनाई है। प्रकाश झा जी की बात की जाए अगर तो मतलब उनको डायरेक्ट करना, मतलब खुद डायरेक्टर रह चुके हैं, उनको डायरेक्ट करना कितना मुश्किल था? नहीं नहीं एकदम मुश्किल नहीं था, क्योंकि झा साहब की और हमारी बॉन्डिंग एक कहानी को लेकर हुई थी और उनका यही था कि आप जो कहानी बनाना चाहते हैं गनी, आप वो कहानी बनाइए, तो और आप उसमें ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिएगा।
यही बात अच्छी थी कि और वो अपना काम बहुत ईमानदारी से एक्टिंग वाला संभाल रहे थे, मेरा काम था उस सबको कहानी को देखना, उसको डिज़ाइन करना, उसे बनाना। तो हम दोनों ने बहुत मेहनत से ईमानदारी से अपना अपना काम किया है और उसके नतीजे आपके सामने हैं कि जहाँ सा मट्टो आपके सामने नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही ब्रिलियंट किरदार, ट्रेलर से सबको बहुत ही तारीफ हो रही है, आप कितने एक्साइटेड हैं ये जरा जानना चाहेंगे? एक तो मैंने ट्रेलर देखा है और प्रकाश जी के बारे में क्या कहें, उन्होंने जो फिल्में बनाई है हम उनके एक्चुअली उनके एज ए डायरेक्टर बहुत बड़े फ़ैन हैं, एज ए राइटर डायरेक्टर, और जब उन्होंने ये ट्रेलर दिखाया मुझे तो ताज्जुब ये हुआ कि एक डायरेक्टर जब बताता है कि किरदार ऐसा करो तब तो अच्छा ही लगता है, लेकिन खुद वो एक्टर बनाए और वो एक्टर मतलब कैरेक्टर के इतने नज़दीक है, वो जो हम कहते हैं ना कि कैमरा के लिए रियलिज्म के पास, रियलिटी के पास आना चाहिए, इतना रियलिटी के पास है कि आज मैं देखने आया हूँ कि भाई पूरी फिल्म में एक्चुअली उसका अनुभव लेने आया हूँ। एंड सर आपको हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे जमाने से देख रहे हैं एंड हम आपको देखते हैं कि जो भी किरदार आपको दिया जाता है, चाहे वो शाहरुख खान के साथ में आपको किरदार हो, आप उनके साथ में फिट बैठते हैं, चाहे सूरवीर में इंटेलिजेंस एजेंट्स का हो एंड नाउ हम मट्टो की साइकिल में देखते हैं, कैसे एक जो भी यूथ एक्टर एक्टिंग की दुनिया में आना चाहते हैं क्या टिप्स देंगे उनको आपकी तरफ से, जिस तरह से आप अपनी एक्टिंग को निखार कर सामने लाते हैं लोगों के सामने? देखो एक्टिंग जीवन के करीब होती है पर मेन स्ट्रीम सिनेमा की अपनी एक थोड़ा सा रियलिज्म से ऊपर रहकर एक मनोरंजन के पास जाने वाला अभिनय होता है और वही यहाँ अर्थपूर्ण अभिनय किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ईमानदारी रखे और मेहनत की तैयारी रखे और जल्दी से मायूस ना हो। सूरवीर की काफ़ी तारीफ हो रही है, कुछ बताना चाहेंगे कैसे देखें? मुझे लगता है कि एक हमने जैसे टॉप गन देखा हुआ है, उसके पहले हमने एक फिल्म देखी थी गोविंद नीलानी ने बनाई थी, शशि कपूर ने प्रोड्यूस की थी, विजेता। तो उसके बाद अगर हमने फाइटर जेट प्लेन्स देखे हैं, मुझे लग रहा है कि अपने स्क्रीन में दिखाना स्पेशल इफेक्ट्स के थ्रू, मुझे तो अपना किरदार जो कि मुझे ऐसा लगता है नेशनल डिफेंस पे जो अजीत देवल जी के से इंस्पायर था वो करने में बहुत बड़ा और बहुत मेहनत की मुझे लगता है हमारे, और मैं खुश रहा अपने आप को थोड़ा सा नीट ट्रिम टाई वाई लगा कर, मज़ा आया था। सितंबर को मट्टो की साइकिल सिनेमाघर में दौड़ने वाली है तेजी से, कुछ कहेंगे ऑडियंस को, अपने फैंस को? मैं चाहूँगा कि लोग ये फिल्म देखे, बहुत ही ईमानदारी से बनाई हुई फिल्म, और ऐसी फिल्में है ना काफ़ी सालों के बाद बनती है तो इसलिए मौका ना छोड़े और सिनेमा घरों में जाके देखने की कोशिश करे। तो वैसे तो नहीं तो OTT पे हम देख ही रहे, तो अपने यहाँ फिल्में जब बनती है तो वो हमने थिएटर में जाके देखनी चाहिए। अरे क्या
क्या हम लोगों से कॉम्पिटिशन करवा रहे हैं, प्रकाश जी इतने बड़े डायरेक्टर हैं, उनके मैं मुझे कॉम्पिटिशन में मत खड़ा करिए उनके साथ, मुझे बहुत काम करना है उनके साथ। प्रकाश जी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और जब एक डायरेक्टर एक्टिंग करता है तो उसको फिल्म की बारीकियों के बारे में बहुत मालूम होता है। प्रकाश जी बहुत अच्छे एक्टर हैं, पहले भी देख चुके हैं, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और आज बारिश बहुत हो रही थी, मुझे लग नहीं रहा था मैं पहुँच पाऊँगा, लेकिन चलिए इत्तेफाक से ऐसा हो गया मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और अब मैं फिल्म देखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। सर क्या ट्रेलर बहुत अच्छा लगा? सर बहुत अच्छा ट्रेलर है और मुझे उम्मीद है कि ट्रेलर से कहीं ज़्यादा अच्छी है फिल्म। एक्सपेक्टेशन क्या रखते हैं? अभी बताया मैंने आपको, अच्छी फिल्म देखने आया हूँ, अच्छी फिल्म देख के जाऊँगा। थैंक यू। मुझे हमेशा लगता है कि जो निर्देशक अपने एक्टर्स को इतनी अच्छी तरह से बता सकते हैं कि कैसे परफॉर्मेंस देनी है, उनको कैमरे के सामने देखना हमारे लिए ट्रीट होगी। काफ़ी सारे डायरेक्टर्स को एक्टर होते हुए हमने देखा है, लेकिन प्रकाश जी फुल लेंथ रोल में पहली बार हमारे सामने एक्टर के तौर पर आ रहे हैं और मुझे लगता है उनको सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारी ट्रीट वसूल करने के लिए आना बनता ही है। सॉरी, मुझे लगता है एंटरटेनमेंट, क्योंकि अच्छा लग रहा है कि हम थिएटर में आ पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक अच्छी फिल्म OTT पे देखने मिल रही है, बल्कि थिएटर में देखने मिल रही है, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि अच्छी एंटरटेनमेंट होगी। मैं साइकिल के बारे में बहुत पैशनेट हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी मैंने साइकिल पे गुजारी है। आई एम फ्रॉम पुणे। मैं साइकिल के बारे में बहुत पैशनेट हूँ क्योंकि मैंने मेरी ज़िंदगी साइकिल पे गुजारी है। मैं पुणे से हूँ तो साइकिल चलाती आई हूँ स्ट्रगलिंग डेज तक, और अभी भी मेरे पास साइकिल है। अब खैर अभी ट्राइथलॉन्स के लिए है, लेकिन ये साइकिल देखने के लिए बेकरार हूँ। थैंक यू। चलो मैडम, पिक्चर चालू होने वाला है। सो हीरा जी,
प्रकाश सर हैं मूवी में, मैं परफॉर्मेंस मिस नहीं करना चाहती हूँ। तो कटो की साइकिल का ट्रेलर जल्दी जल्दी मैं आपसे पूछ रहा था, ट्रेलर आपने देखा ही होगा तो बताइए कि कैसा लगा आपको ट्रेलर। एंड इस बार प्रकाश झा जी एक्टर है, इस बार थोड़ी है, इससे पहले भी उन्होंने कई बार एक्टिंग की है, और इनफैक्ट मैंने उनको उस मूवी में देखा था, उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया था, तापसी एंड दिस वन नहीं दो शूटर शूटर्स की कहानी थी। अच्छा, हाँ, वो सांड की आँख, उसमें भी उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया था, वो तो फिल्म ही बहुत अच्छी थी, तो इस बार तो वो फुल फ्लेजेड परफॉर्म कर रहे हैं। मैं अभी मिली उनसे, आई कंग्रेचुलेटेड हिम, तो उनके साथ एक अच्छा कनेक्शन, एक अच्छा रैपो बन गया है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड टू सी, एंड आई एम श्योर इज गोना बी फैब। थैंक यू सो मच। मैम सर भाई बाजू हटना सर, मैं थोड़ा सा टर्न ले सर, यहाँ पे सर, मैम सर यहाँ पे सर थोड़ा सा टर्न हो जाइए, प्रकाश जी यहाँ पे सर, प्रकाश सर, प्रकाश जी यहाँ पे मैम इधर अरे बाइट लेना यार, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी, मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज प्रकाश सर मेरे मेंटर है इन अ वे ऑफकोर्स, बिकॉज उनसे मैंने इतना कुछ सीखा है, और आज उन्हें एक्टर के तौर पे देखने, और वो भी मैं उन्हें देखने जा रही हूँ, मुझे बहुत बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। एंड आई थिंक जेन्युइनली जो ट्रेलर मैंने देखा है उसमें मुझे कहानी में भी बहुत मज़ा आया, आई वाज़ वेरी इंट्रिग टू नो कि एक किसकी कहानी है, बिकॉज आई वुड लव टू डू समथिंग लाइक मंटू की साइकिल, एंड आई वुड लव टू नो कि ये कहाँ जाने वाला है आगे, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी प्रकाश सर, एंड आई थिंक आई शुड गो नाउ, बिकॉज इस तरह से डेब्यू कर रहे हैं इस फिल्म से प्रकाश जी, आपका सेल्फोन चौथी बार टूटा है, नहीं, मैं एक बहुत एक्साइटेड हूँ, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज पूरा आश्रम जो हमने शूट किया है, इट्स लाइक यू नो लाइक अ फैमिली, बिकॉज हर एक कैरेक्टर अपना काम कर रहा था, बट एट द एंड ऑफ द डे प्रकाश सर जो थे वो मेन थे हमारे, जो हमको गाइड करते थे, और आज उन्हें यहाँ पे देखते हुए मतलब आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ही चोज अ स्क्रिप्ट लाइक दिस टू डेब्यू इन। ओके थैंक यू। मैं ये जो मतलब मेरा एक्साइटमेंट का सवाल है, खुशी है
दैट आई मीन ऑफ कोर्स प्रकाश झा हैज़ बीन अ वेरी वेल रिनाउंड डायरेक्टर और अभी ये खुद एक्टिंग करने जा रहे हैं तो मुझे बहुत आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हिम एक्ट आई थिंक इट्स गोना बी समथिंग मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा है तो मुझे बहुत पसंद आया और ट्रेलर देख के लगा कि ये उस तरह की फिल्म है जिस तरह की फिल्में मैं पसंद करती हूँ तो बस एक्साइटेड अबाउट इट यार मेरे को फिल्म देख के उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है पर्सनली आई थिंक मैं जिस तरह की इंसान हूँ जिस तरह से मैं जिस तरह का काम भी करती हूँ मेरी समझ और सोच सबके लिए रहती है बट येस सिनेमा का ये पर्पस होता है कि हम अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस पे ध्यान दें सो दिस फिल्म विल श्योरली बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट एंड अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट आपका लुक काफी डिफरेंट है लाइक डिफरेंट हेयर स्टाइल भी है जी क्या ये किसी फिल्म नहीं ये किसी फिल्म के लिए नहीं है ये मेरी जो निजी ज़िंदगी है उस फिल्म के लिए है ये दिस इज़ रियली फॉर मी अभी फ़िलहाल मैं किसी चीज़ के लिए स्पेसिफिकली शूट नहीं कर रही हूँ तो मुझे मौका मिला है कि मैं खुद अपने साथ एक्सपेरिमेंट कर सकूँ सो इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट थैंक यू मट्टो की साइकिल ट्रेलर क्या आपने तो आधी फिल्म भी देख ली है तो बताइए कि कितनी एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर एंड क्या कुछ कहना चाहेंगे मट्टो की साइकिल को लेकर बहुत बहुत अच्छी बहुत प्यारी सी फिल्म है ये अच्छा द होल जो जो एटमोसफेयर सेटअप किया है बहुत बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज ऐसा लगता है गांव में घूम रहे हैं और वहीं कुछ चल रहा है वहीं कुछ हो रहा है सब ये लोग सब गांव के हैं और एक्टर्स लग नहीं रहे बहुत इट्स बिन सेट अप वेरी वेल और डायलॉग्स एंड प्रकाश पोर्ट्रियल ऑफ मट्टो बड़ा अच्छा लग रहा है प्रकाश झा जी को अब तक हमने प्रकाश की एक्टिंग बहुत अच्छी है बीइंग अ डायरेक्टर फर्स्ट टाइम मेजर रोल करना पहले भी मैं थोड़ा बहुत देख चुकी हूँ बट दिस इज वेरी नाइस टोटली नेचुरल हर फिल्म कुछ ना कुछ अवेयरनेस किसी न किसी मुद्दे पर अवेयरनेस तो क्रिएट करती ही है सो ये डेफिनेटली बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है और मैं फिल्म देख रही हूँ बहुत पहले देखी थी जब फाइनल नहीं हुई थी तो आज मैं पूरा देख के आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस वेरी हैप्पी थैंक यू